इसका चेहरा तो देखने दो, कैसे जल रहा है मुझे तुम्हारे साथ देख के। इतनी ज्यादा खुशफहमी अच्छी नहीं। तुम्हें इसके साथ देख के मुझे जलन नहीं, खुशी हो रही है। कितनी बड़ी बर्बादी से बचा लिया मुझे खुदा ने। इससे रिएक्ट करके तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो? मोहब्बत, माय फुट। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अपने बड़ों के हाथ में दे दिया है और उसके बाद कुछ कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती। आज की बात है ना, मेरे पर्सनल मामले में इंटरफेयर मत करना, समझ पाई तुम्हारे? फोन बिजी जा रहा है, फिर बिजी जा रहा है। फिर जिब्रान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो मुझसे बेजार हो गया है? क्या वो मोहब्बत के दावे, जिंदगी साथ निभाने के दावे, क्या वो सब झूठ था? तो अम्मी भी फोन नहीं उठा रही। जिब्रान, जिब्रान तुम्हारा नंबर भी बंद था, कहाँ थे तुम रात भर? तुम्हें अंदाजा है मैं कितना परेशान हो रही थी जिब्रान। तो अब तुम परेशान ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या लिख ली? जाहिल, बदतमीज और बदतहजीब। यू नो, तुम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हमेशा तंग नजर होती हैं। ये बात तो साबित हो गई। क्या सोच के मेरे हाथ से फोन चला था मेरे क्लाइंट्स के सामने? हाँ, पता है उन्होंने डील कैंसिल कर दी है और मेरे साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम अपनी जाहिलों वाली हरकतों से बास नहीं होगी। तुम्हारे साथ रह के ना मैं पागल हो जाऊंगा। जिब्रान, I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। छोड़ो, बन सका सा।
वैसे तुम की सुबह सुबह उठ गई थी, अगर सुबह उठ ही गई थी तो मुझे क्यों नहीं उठाया? हाँ वो तुम सो रहे थे, मैंने कहा आप क्या तुम्हें उठाऊं, तुम इतने प्यारे लग रहे थे सोते हुए, इसलिए मैंने उठाया ही नहीं। वैसे जनाब आपका हुस्न भी आज काफी ज्यादा लग रहा है। खालिद भाई का नाम मत भूल जाना। और वो फजल साहब के घर आ जाते हैं। मेरी और कोई जरूरत है तो बता दे। जब सारे काम हो गए आप पूछने आई हो? मैं फूफो के साथ किचन में थी और अब गुल को लेके पार्लर जा रही हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। जीती रहो बेटा, तुम लोगों ने तो बहुत साथ दिया है शहद और फातिमा का, हर काम में आगे आगे, वरना ये दोनों क्या क्या करते। अरे अम्मा जी कैसी बात कर रही हैं आप, हम इस घर से अलग थोड़ी हैं, शहूद और फातिमा का बड़ा भाई यहाँ मौजूद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। दादी मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए, बस अब गुल को लेके पार्लर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। लेकिन तुम लोगों को पार्लर कौन ड्रॉप करेगा? असद तो यहाँ काम में लगा हुआ। नहीं नहीं बाबा, असद ही हमें छोड़ रहे हैं। ठीक है तुम लोग रेडी हो जाओ, मुझे बता देना फिर। ठीक है। वैसे मसूद बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग, इतनी नेक दोहो मिली है तुम्हें। जी वाकई अम्मा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खुशकिस्मत तो मैं वाकई हूँ, दोनों बहुएं मुझे बहुत नेक मिली हैं, बहुएं क्या बल्कि दो बेटियां मिल गई। बेशक बेटा, बस अब तो अल्लाह से दुआ है कि इस घर में खुशियां ही खुशियां रहें। अरे हाँ वो जमाल साहब का नाम भी लिख लेना, नाराज हो जाते हैं फिर हमेशा। मेरी बर्थडे पे इसने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है, कोई इतनी जल्दी भी क्या किसी को दिल से निकाल सकता है? दिल से तो तुमने भी निकाल फेंका था नौफल को एक झटके में, याद करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती नौफल, और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरा कहा गया एक एक लफ्ज सच है नौफल, मैं तुमसे नहीं, मैं जिब्रान से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। नौफल वो तो मेरी आंखों में आंसू ही नहीं देख सकता था, मेरी जरा सी भी नाराजगी बर्दाश्त ना करता था, मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। और ये जिब्रान, इसने तो मुझ पे हाथ तक उठा दिया और पलट कर खबर ना ली। मैं कल रात से भूखी हूँ मगर उसे कोई परवाह नहीं। और नौफल, अगर उसे पता होता कि मैंने खाना नहीं खाया तो वो दुनिया जहान की चीज़ें लेकर आता। मैं कुछ भी खा लूँ मगर भूखी ना रहूँ, और मेरे बगैर तो वे एक निवाला ना तोड़ता था। क्या मैंने नौफल को छोड़ के गलती की है? नहीं नहीं कोई गलती नहीं, ये महल जैसा घर, ये दौलत के ढेर, नौफल के पास क्या था? जिब्रान इस गुस्से का जरा तेज है मगर मैं मना लूंगी उसे। जिब्रान जिब्रान प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज जिब्रान माफ कर दो। हर दफा गलती करती हो फिर माफी मांगती हो, ये सब कुछ जो है तुम्हारे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं जिब्रान मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो देखो आज मेरा बर्थडे है और तुमने मुझे विश तक नहीं किया। हैप्पी बर्थडे। काम करो तुम, रेडियो जनरात में हम डिनर पे चलेंगे। वाकई हम डिनर पर जाएंगे?
तुमने मुझे माफ कर दिया। जाओ, जाओ। ठीक, मैं तैयार हो जाती हूँ। मुलाजमों के सामने तमाशा करने के बजाय मुझे इसके साथ कोई अच्छी डील करनी होगी। अच्छा सुनो, वो लाइट तो ऑन करो। क्या कर रहे हो? इतनी देर से काम करवा रहे हो, थोड़ी देर आराम कर। जी बस भाई, बस रख लो। मैं तुम्हारे कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, तकदीर के आगे बेबस। तकदीर ने ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों किया मसूद भाई? एक ही तो बेटी थी मेरी, क्या क्या अरमान थे मेरे। रिश्ता ने सब तबाह कर दिया मसूद भाई, सब कुछ। बच्ची थी वो, ना समझ थी, किसी के बहकावे में आ गई होगी। सब तो यही दुआ करो कि जो भी हो अल्लाह उसके लिए बेहतर करे, चाहे उसने ना समझी में ही सही जो भी फैसला किया, बस उसके हक में बेहतर। और हम क्या कर सकते हैं? बस तुम अपना दिल बढ़ा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं जरा देख के आता हूँ। आज तुम्हें इतना खूबसूरत नजर आना है कि जिब्रान को तुम्हारे सिवा कुछ याद ना रहे। खैर, खूबसूरत तो मैं हूँ, मगर इस खूबसूरती को दुपाला करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो मुझे रोज ही देखता है। कुछ नया बन चाहिए जो उसे महसूस हो। इतनी सारी मिस कॉल्स, अल्लाह खैर करे, इतनी कॉल्स क्यों कर ली उसने? हेलो हेलो, हाँ बेटा, तुम्हारी इतनी सारी कॉल्स आई हुई हैं। सॉरी, मैं बिजी थी, मैंने अभी देखा अपना फोन। अम्मी, मैंने कल कॉल की थी और आपको आज पता चला है। अरे बेटा, क्या बताऊँ, तुम्हें पता तो है घर में शादी के हंगामे चल रहे हैं, फोन देखने का मौका ही नहीं मिला। तो आपको इन हंगामों से क्या है अम्मी, आपकी खुद की बेटी की शादी है क्या? मुझे क्या पड़ी है,
वो तो तुम्हारे बाबा घसीट घसीट कर मुझे ले जाते हैं और मुझे जाना पड़ता है मजबूरन। अच्छा ये बताएं शादी कब है? आज। ओ अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, मुझे बताओ तुमने क्यों फोन किया था, सब खैर है ना? क्या अम्मी को बता दूं जिब्रान की कल की हरकत? नहीं नहीं क्या जरूरत है, और वो तो वैसे ही मान गए अब। नहीं नहीं अम्मी वो बस ऐसे ही फोन किया था, आज असल में मेरी बर्थडे है ना, तो जिब्रान वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने। आज तुम्हारी बर्थडे, देखो जरा कैसा दिमाग हो गया है सारे झमेले में, बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे। वाह क्या बात है अम्मी, आपको याद नहीं है मेरी बर्थडे? सॉरी मेरा बच्चा मैं परेशानी में भूल गई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अम्मी। अच्छा अम्मी बाय, मुझे देर हो रही है मेरी जान, खुदा। शेरवानी को लेते हुए कहीं दूर दूर तक ये ख्याल ना था कि ये मुझे रुशना के लिए नहीं किसी और के लिए पहननी है। रुशना आज तुम्हारी यादों का मेरी जिंदगी में आखिरी दिन, मैं उन्हें अपने दिल में कहीं दफन कर दूंगा। काश काश मेरा बस चलता तो इन यादों को मेरे दिलो दिमाग से निकाल देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी में जिसको शामिल करने जा रहा हूं उसके साथ कोई बेईमानी करूं। दिल ऐसा बंजर हुआ कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। रुशना की सालगिरह है, सका साहिबान कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबान। लो रिश्ता बेटा ये मेरी तरफ से, और ये मेरी तरफ से मेरी प्यारी बेटी के लिए। थैंक यू बाबा। और ये मेरी तरफ से इसमें तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है? इसमें कॉस्मेटिक। फायदा सबको केक निकाल रह गया है छू सकी कोई राह एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। उसकी सालगिरह से मेरा क्या ताल्लुक? के पास है वो मनाएगा उसकी सालगिरह। खुशियां तेरे कदमों
तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम होंगी गुल। तुम नौफल के दिल से मुझे कभी नहीं निकाल पाओगी, कभी नहीं। उसकी मोहब्बत के काबिल सिर्फ मैं हूं, मैं। ये सच तज, ये बनाओ सिंगार, सब बेकार है गुल, सब बेकार। तुम मेरे जैसी हसीन कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। तुम चली हो मेरा मुकाबला करने, हाँ, लेकिन तुम उसे कभी भी जीत नहीं पाओगी गुल। तुम हार जाओगी गुल, तुम हार जाओगी। बेटा क्यों परेशान? कुछ नहीं अम्मी, लोग ऐसे ही कोई याद आ गया था। बेटा अच्छी अच्छी बातें सोचो ना, ताकि तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। जी नानी, गुल मैं जानती हूँ तुम इस वक्त किस कश्मकश में। अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखो बेटा, जिसने तुम्हारा जोड़ा नफल के साथ बनाया है वो नफल के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत भी डालेगा। बेटा देखो, एक बात और याद रखना, मोहब्बत और खिदमत दरगुजर करना, ये ऐसे हथियार हैं जो बड़े बड़े दुश्मनों के दिल जीत लेते हैं। बस तुम्हें हिम्मत करनी है, बस बर्दाश्त कर लेना बेटा, सबके दिल जीत लेना, तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपने बेटे से पूरी उम्मीद है, किसी के सामने हमारा सर नहीं झुकने दे। टाइम हो गया, ये अभी तक आया क्यों नहीं? शाम से रात हो गई और जिब्रान झूठा वादा करके चला गया और अभी तक नहीं आया। क्या जिब्रान मेरी सालगिरह भी भूल जाया करेगा? एक वक्त था जब वो एक महीना पहले ही मेरी सालगिरह की तैयारियां शुरू कर देता था, मगर शादी से पहले एक ही सालगिरह तो गुजरी थी, मगर नौफल को जरूर याद रहता था। अब शायद वो भी भूल गया होगा। हाँ, रेडी हो गई? जिब्रान कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी हो गया था। मैं फ्रेश होके आता हूँ, बस फिर निकलते हैं। हनी कौन है? तुम मेरा फोन चेक कर रही हो? जासूसी कर रही हो? नहीं जिब्रान, मैं जासूसी नहीं कर रही थी। वो तुम्हारा फोन आ रहा था तो मुझे लगा शायद किसी का इम्पोर्टेंट होगा, तो मैंने इसलिए फोन उठा लिया कि तुम्हें बता सकूं। क्या बता सकूं? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरी चीजों में इंटरफेयर मत करना, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा फोन आ रहा था, मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी। मेरा मसला ये है कि तुम अपनी औकात भूल गई हो। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दे दूँ। मुझे तकलीफ हो रही है, तुम क्या कर रहे हो जिब्रान? तकलीफ हो? जिब्रान मुझे तकलीफ हो। चलो यहाँ से, छोड़ो मुझे जिब्रान। चलो यहाँ से जिब्रान। जिब्रान ऐसा मत करो जिब्रान। ये है तुम्हारी औकात, समझ पाई? आप इस घर में
जिब्रान ऐसा मत करो जिब्रान प्लीज जिब्रान 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 दरवाजा खोलो मैं खा जाओ जिब्रान दरवाजा खोलो तो ऐसे हो रहे हैं ये लोग जैसे कहीं का शहजादा मिल गया हो। शहजादा तो मेरी बेटी का शौहर है जिब्रान, महलों में रहने वाला। शहजादी बना के रखा है मेरी बेटी को। और ये भी मेरी बेटी की खैरात है जो गुल को मिली है। अगर वो छोड़ के ना जाती तो ये बैठी रहती कमारी सारी उम्र, नौफल भी ना मिलता इसको। कहा था कि जिब्रान आज उसे डिनर पे लेके जा रहा है उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो वहीं मसरूफ होगी। तो मुझे ये अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? शायद बीपी हाई हो रहा है। शहूद टेंशन भी तो इतनी देते हैं ना। अब जाके इनकी अम्मा को भी देख लूँ ज़रा, वरना इसका भी ताना ही मिलेगा मुझे। शहूद जी। अम्मा बेटा सब मेहमान आ गए। जी अम्मा मेरा तो ख्याल है कि तकरीबन सब आ गए। तो बस फिर मौलवी साहब को बुलाओ कि निकाह तो पढ़वाएं। ठीक है अम्मा बुलाता हूँ।
अम्मा जी क्या हुआ भाई? अम्मा जी को क्या हो गया? अम्मा जी भाई, अम्मा जी को क्या हो गया? अम्मा क्या हुआ? अम्मा आपको क्या हुआ? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बिना वजह परेशान हो रहे हो तुम लोग। अम्मा जी वैसे तो आप हम सबको नसीहत करती हैं कि अच्छा खाओ, अपना ख्याल रखा करो, लेकिन आप अपनी जरा परवाह नहीं करती। बेटा शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत संभली हुई है ना, हम चल के रस्म पूरी कर लेते हैं, निकाह करवा लो। नानी जान क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। और देखो खुशी के मौके पे मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। नौफल बेटा देखो, आज से ये मेरी अमानत तुम्हारी है। इसका दिल शीशे की तरह नाजुक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसका ख्याल रखोगे, कोई तकलीफ कोई दुख नहीं दोगे। फायसा जी, कहाँ थी तुम? तेरी अम्मा की तबीयत खराब हो गई, तुम्हारा आता पता ही नहीं है। मैं वहीं तो थी जब हुआ, घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा, मतलब मेरा बीपी हाई हो रहा है इसलिए बाहर आई। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, अभी चल के निकाह अटेंड कर लो, उसके बाद तुम्हारा बीपी चेक कर लूंगा, ठीक है? सुनो देखो फायसा, एक बात बताओ, जो कुछ हमारी लड़की ने किया उसमें कसूर उसका था, घर वालों का कोई कसूर नहीं था, वो तो इज्जत के साथ रुख्सत करना चाहते थे, फिर क्या मसला है? मैंने आपसे कोई शिकायत तो नहीं की। ऐसा शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारा रवैया बता रहा है कि तुम्हें शिकायत है। तुम सबसे अलग थलग रहती हो, किसी दुख सुख में शामिल नहीं होती, बातचीत नहीं करती किसी से, मतलब ये सब क्या है? तुम्हें यही रहना है, मिलजुल कर रहना होगा ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, वरना घर के किसी कोने में अलग थलग पड़ी होगी, किसका नुकसान होगा? तुम्हारा होगा ना। आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ जाओ, इसमें सिर्फ फायदा तुम्हारा ही होगा। चलो यार, एक छोटा सा मसला हो गया था, सॉल्व कर दिया मैंने, आप तो थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं, बाय। बोलो साहब जी, वो मैडम बाहर गेट के बाहर बेहोश पड़ी हुई है। क्या मैडम? जी साहब जी, वॉचमैन ने मुझे जैसी बताया, मैं और शबा मिलकर उठा के उन्हें लॉन्च तक लेके आए, मगर वो अभी तक बेहोश है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रही थी कि वो अपने माँ के घर जा रही है। पता नहीं साहब जी, वो कब से बेहोश पड़ी हुई थी, और मेरा ख्याल साहब जी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं काम करो, शबा के साथ उसे कमरे में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। जाओ साहब। शुक्र है किसी ने देखा नहीं मुझे, क्या मुसीबत करे पड़ गई है। अब इस मुसीबत को किसी भी तरीके से हैंडल करना होगा, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।